आगे से ऐसा बैठा, ना कोई दूसरा पुलिस वाला ऐसी हरकत ना कर, कि मैं कैसे बैठूंगी। और अभी अनु आप यहाँ पे आज आए, किस लिए आए थे हिसार में? आज भैया जी मैं आईजी ऑफिस के बाहर धरना धरने के लिए आई थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आ रखा कि धरना धरो, ये करो वो करो, हम आपके साथ हैं। तो आज मतलब कुछ लोग आए भी, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज थी जो मैंने पहले वीडियो डाली थी इसमें, कि मैं इतनी तारीख को और कल, क्योंकि मतलब मैं अच्छे से उसमें बोल नहीं पाई, मैं इतनी मतलब बहुत परेशान हो रखी थी उस टाइम पे जब मैंने बाइट दी थी पीछे वाली, कि मैं 3 तारीख को यानी कल, यानी आज तो 2 तारीख थी ना भैया, तो मैंने ये भी बोल दिया कि 3 तारीख यानी कल, कल भी बोल दिया और 3 तारीख, तो इस वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँच पाए, इस वजह से मैंने धरना नहीं धरा। और धरना धरती भी तो आईजी ऑफिस में आईजी साहब आए भी नहीं थे, आज आए नहीं थे। नहीं तो आप ऑफिस में गए थे, कोई तो मिले आपको वहाँ पे क्या? हाँ वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी थी आईजी साहब की, उन्होंने बोला कि आईजी साहब है नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आएंगे आएंगे, लेकिन अब तक भी नहीं आए थे। आगे का क्या फैसला रहेगा जी? फैसला आगे का क्या रहेगा? आगे का फैसला यही दीदी, देखो मैंने तो हर तरीके की कोशिश करके देख ली है कि न्याय मिले न्याय मिले, लेकिन मेरे मैटर को कोई समझ ही मतलब नहीं रहा अच्छे से, ना ही कोई सोल्यूशन निकला, पुलिस प्रशासन भी नहीं कुछ कर रही है, सिर्फ फ़ोन आते थानों से कि प्रूफ, कोई ये नहीं कहता कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, आप प्रूफ लेके तो आओ, सिर्फ ये कहते हैं आप प्रूफ लेके आओ देखते हैं। तो मेरा फ़ायदा क्या, इतनी दूर मैं रहती हूँ, गुरुग्राम में मैं रहती हूँ, कभी हांसी से फ़ोन आते हैं, कभी हिसार से, और मेरे पास मतलब ऑनलाइन भेजे जाते हैं समन, मतलब जो एक समन बोलते कि समन भेजा, वो व्हाट्सएप पे किए जाते कि आपकी इतनी तारीख है और आप थाने में प्रूफ लेके आ जाओ, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, तो ऐसे तो मेरा कोई फ़ायदा है नहीं जाने का। तो ये लड़ाई आप किसके लिए लड़ रहे हो? ये भैया मैं खुद के लिए तो देखो लड़ भी रही हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा भैया आने वाले समय में जो बेटियाँ मतलब हैं और आगे भी जो बेटियाँ पैदा होंगी, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आगे से ऐसा पैदा हो या फिर हो रखा हो या फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करे, तो इसलिए मैं ज़्यादातर लड़ रही हूँ। देखो मेरा तो जीवन ख़राब हो चुका है, मेरा पढ़ाई गेम सब रुक ही गया है किसी तरीके से, तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में जो मतलब बेटियां कामयाब होने के लायक है, कि ये सब मैटर को देखते हुए कि लड़कियां ये कर रही वो कर रही हैं, कि किसी की पढ़ाई या गेम ना छूट जाए, तो मैं इसलिए लड़ाई लड़ रही हूँ ये समाज की बेटियों के लिए भी, ताकि उनका जीवन ख़राब ना हो, कोई दूसरा आगे से ऐसा पैदा ना, कोई दूसरा पुलिस वाला ऐसी हरकत ना कर सके। और आप बोल रहे थे कि आईजी ऑफिस के बाहर बैठेंगे, आज रात की भी आप बोल रहे थे कि भी मैं रात को भी धरना दूंगा, तो उसके लिए क्या सोचा आपने? आईजी ऑफिस वालों ने ये कहा कि आईजी साहब नहीं है, कुछ लोगों ने कहा है आएंगे लेकिन आए नहीं, लेकिन जब हम बाहर आए उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं बैठ सकते हो आप बाहर जाइएगा, बाहर अब रोड पे तो बैठने से रही भैया जी मैं अकेली, मैं कैसे बैठूंगी, और अभी कोई मेरे लिए छोटे बच्चों को छोड़ के आया था, कोई किसी की सांस बीमार है, किसी का कोई बीमार है, तो भैया देखो। और दूसरी बात जो तारीख में कंफ्यूजन थी कुछ लोगों को, तो उस वजह से लोग भी बहुत कम पहुंच पाए। तो आगे कोई ऐसी तारीख है जिस पे आप धरना धरोगे? तारीख नहीं बताऊंगी भैया जब की बार में, लेकिन धरना धरूंगी मैं, लेकिन उससे पहले कोई तारीख बताई जाएगी वो जब एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले मैं बता दूंगी, जैसे ही धरना धरूंगी मैं कहीं पर भी तो मैं बता दूंगी। आप अनिल विज जी से भी मिलने के लिए बोल रहे थे आप? हाँ जी भैया। क्या कहना चाहते हो आप अनिल विज जी? अनिल विज सर से तो देखो मैं जाके वहीं पे बोलूँगी, कंप्लेंट दूंगी तब। हाँ आप मतलब अपना ये इंसाफ चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल इंसाफ चाहती हूँ, ये इंसाफ अकेला मेरे लिए नहीं है मैडम। हाँ। अगर देखो मेरी वजह से देखो बहुत सी लड़कियों का भी जीवन बचेगा आने वाले टाइम में, अब हर दिन घटनाएं घट रही हैं, लव मैरिज कर ली, किसी की पत्नी जा रही है, किसी का पति जा रहा है, किसी के बच्चे ज़बरदस्ती पति रख रहा, किसी के बच्चे ज़बरदस्ती पत्नी रख रही है, मतलब एक देखो पिता का प्यार माता नहीं दे सकती और माता का प्यार पिता नहीं दे सकता। देखो आप मतलब राजेश के साथ रहना चाहते हो, वो रख नहीं रहे आप? जी बिल्कुल। हाँ आप अब आप उनके साथ लड़ाई ये लड़ रहे हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो या फिर जो जॉब पे है या कुछ अपना खर्चा पानी वगैरह इस प्रकार? नहीं नहीं खर्चे पानी की कोई बात नहीं भैया जी, देखो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, कमा के भी खा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी लड़ाई अपने लिए कम, लेकिन जो समाज की जो और बेटियां हैं उनके लिए ज़्यादा मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मतलब आपकी तरह जीवन खराब नहीं होगी? बिल्कुल दीदी। लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हो आप जो लव मैरिज कर रही हैं? लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी, देखो जो भी लड़का अगर सच में प्यार करता होगा,
ना कि हवस का भूखा यही कहेगा मैं ये कर दूंगा तेरे लिए, वो कर दूंगा, हम शादी कर लेंगे। मैं उन लड़कियों से कहती हूँ किसी भी, क्योंकि हर कोई, मतलब देखो सर, हर कोई भी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन 99% लव मैरिज में यही केस लगभग मैं देख रही हूँ। एक साल से कोर्ट में मैं जा रही हूँ, तो ये क्या घर वालों की मर्जी जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, जरूरी नहीं बिल्कुल जरूरी है। मैं यही ही कहूँगी जो भी बहन किसी लड़के के अब भी चक्कर में है, या लड़का कितना भी उसको बहला फुसला रहा है, पढ़ाई का झांसा दे रहा है, गेम का झांसा, या नौकरी का झांसा, किसी भी तरीके का झांसा, या फिर कोई झांसा नहीं भी दे रहा, सिर्फ वैसे मतलब जान पूछ के लगाव दिखा रहा है, या है भी हकीकत में मान लूँ, लेकिन मैं नहीं मानती जब तक वो लगाव है, वो प्यार सच्चा प्यार है। अगर लड़का सच्चा प्यार करता हो तो घर पे जाके लड़की के भी हाथ मांग सकता है, अगर वो सच में उससे प्यार करता है, ना कि एक हवस का भूखा। अगर हवस का भूखा होगा तो लड़कियों पहचान कर लो, वो लड़का कभी भी घर पे जाके बात नहीं कर सकता, वो मीठी मीठी बातें ही करेगा, वो ऐसे ही बहलाएगा, ऐसे ही फुसलाएगा। जो अगर सच में सच्चा प्यार लड़का करता होगा तो उसकी इतनी भी हिम्मत होगी कि वो घर पे जाके उसका हाथ मांग सके लड़की का। तो मैं सभी लड़कियों से, अगर आज भी कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में है, लड़का प्यार दिखा रहा है, तो उस लड़की से मैं हर लड़की से यही कहूँगी कि आप इंतजार कीजिएगा, और आप भी अगर सच्चा प्यार करते हो उसे तो उसको बोलेगा कि घर पे जाके हाथ मांगिएगा। तो ठीक है।